हेलो हैलोमस्टी हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज के लेक्चर पे हम बात करने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर थर्ड जिस पे हमने बात करनी है पर्टिकुलरली रिजिट रोटेटर पे ओके तो आज के लेक्चर पे हम बात करते हैं रिजिट रोटेटर क्या है तो पहले मैं आपको एक चीज बता दू रिजिट रोटेटर में भी आपको क्या है जैसे क्वांटम केमिस्ट्री में आपको हर टॉपिक में ऐसा ही मिल रहा है थ्योरी आपको कम मिलेगा डेरिवेशन पॉइंट आपको ज्यादा मिलेगा ओके तो इसमें भी आपको डेरिवेशन ही करना है बट जो डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगी बहुत सिंपल वे में कराने वाले हूँ ठीक है क्योंकि देखो आपने एक ही डेरिवेशन तो याद नहीं

और क्या होता है रोटेटर मतलब जो चीज रोटेट करने वाली है ओके तो रिजिट रोटेटर क्या है रिजिट रोटेटर हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें आपका जो बॉन्ड लेंथ होती है आप यहां देख सकते हैं हम एक सिस्टम मैंने आपको क्या बोला केमिस्ट्री में आप सिस्टम कंसिडर नहीं कर सकते आप फिजिक्स में में सिस्टम बोलेंगे पर केमिस्ट्री क्या ओके okay? तो सपोज मोलिक्यूलिकूल के लिए हमने सिस्टम बनाया ओके तो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ओके तो हाइड्रोजन जो मोलिक्यूल है ये दो टाइप के आइटम से बना है एक एच दूसरा एच ओके okay? इसे मैं एच वन कह दू इसे मैं कह दू एच टू ओके तो देखो ये आपका एक एच है दूसरा एच आपका यहाँ है ओके okay? अब आप देखेंगे इस मॉलिक्यूल में देखो ऐसा ही तो होगा ना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ सिंगल बाल बॉन्ड से अटैचर यहां भी आप देख सकते हैं ओके अगर आप क्या करें इस बॉन्ड के सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करता है ओके यहां से ओके और इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपने इनका मास वगैरह सब निकाल दिए कि पहले हाइड्रोजन का मास एम है दूसरे का एम और इनकी जो डिस्टेंस है इनके सेंटर से इसकी आर बना है इसकी आर टू है डिस्टेंस okay? मतलब क्या है इसकी बॉन्ड लेंथ ओके अब आपको क्या करना है इस मॉलिक्यूल को क्या करना है रोटेट करना है इस सिस्टम को रोटेट करना है ओके okay? अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे एक चीज आपको ऑब्जर्व होगी कि यहाँ पे जो इनका ये बॉन्ड लेंथ है ना ये रोटेशन के बाद भी चेंज नहीं हो रहा मतलब क्या हुआ कि इनका रोटेशन क्या है इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या Rigid है रिजिड है समझ में तो ऐसे ही सिस्टम को आप बोलते हैं रिजिट रोटेटर ऐसा सिस्टम जिसमें आप क्या कर रहे हैं रोटेशन तो करा रहे हैं बट रोटेशन करने के बावजूद भी आपके जो सिस्टम है जो बॉन्ड लेंथ है वो रिजिट है रिजिट है मतलब चेंज नहीं हो रही आपने यहाँ रोटेशन है ये ऐसे रोटेट हो रहा है यहां से देख सकते हैं ये ऐसे रोटेट हो रहा है ये यहाँ को रोटेट हो रहा है ओके लेकिन इनकी जो बॉन्ड लेंथ है लेर वन थी तो ये आर वन ही है ये आर टू थी तो ये आर टू ही है ये चेंज नहीं हो रही ये ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे कुछ आगे पीछे रोटेट नहीं होंगे चीजें समझ में आ रहा तो यही चीज होती है आपकी इसी को आप बोलते हैं रिजिट रोटेटर ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलते हैं रिजिट रोटेटर ओके तो यहाँ डेफिनेशन पे भी आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है कि रिजिट रोटेटर क्या होता है कोई भी सिस्टम को आप रिजिड रोटेटर कहेंगे जब आप उसमें देखेंगे जो जो है, जो दो ये है, इनकी और वी कैन से दैट इनकी जो बॉन्ड ले रिजिट है रिजिट मतलब कि फिक्स है अब ये चेंज नहीं हो जैसे सॉलिड का टेक्सचर क्या होता है रिजिट होता है आप उसे चेंज नहीं कर सकते सॉलिड को कैसे चेंज कर सकते हो लेकिन क्या, आ, क्या है लिक्विड को क्या कहते हैं ठीक है तो वही होता है आपका रिजिट ठीक है तो इसमें भी क्या है इस सिस्टम में आपकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो रिजिट होती है और ये जो ओवरऑल सिस्टम को आप बोलते हैं रोटेटर इतनी चीज समझ में ये होता है रिजिट रोटेटर सिंपल सी बात अब देखो रिजिट रोटेटर आप ये पढ़ तो रहे बट ये मॉडल ये जो सिस्टम आप पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या है आप इसे क्वांटम केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं ओके तो इसका यूज आपको मैं आगे दिखाती हूँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पहली चीज की जो रिजिट रोटेटर है ये एक मॉडल है आप बोल सकते हैं एक टाइप का मॉडल है फॉर अ डाइएटमिक मॉलिक्यूल आपके पास कोई भी डायटमिक मॉलिक्यूल डायटमिक मॉलिक्यूल मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो दो आइटम से बनाओ तो डायएटमिक मॉलिक्यूल के लिए एक मॉडल है जिसे आप बोल रहे हैं रिजिट रोटेटर और इसका मेन काम क्या होता है इसका मेन काम ये होता है कि अगर आपको किसी डायटमिक मॉलिक्यूल में रोटेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ रिजिट रोटेटर आप किसी भी डायटमिक मॉलिक्यूल की रोटेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं चीजें क्लियर है तो ये इसका सिंपल सा वर्क होता है जिसे आप आ, आज आपने क्या करना है डेरिवेशन की हेल्प से टीचर को समझाना है कि, कि किसी भी डायटमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशन एनर्जी को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजिट रोटेटर चीजें क्लियर रही इतनी समझ में अब देखो ये चीज दोनों चीजें आप समझ गए अब आपने क्या करना है डेरिवेशन और आपको पता चल गया डेरिवेशन आपने किसके लिए करना है फॉर कैलकुलेटिंग रोटेशन एनर्जी किसके लिए डायटमिक मॉलिक्यूल के लिए विद द हेल्प ऑफ रिजिट रोटेटर ओके अब देखो डेरिवेशन आपको एक सिंगल डेरिवेशन नहीं है आपके पास यहाँ आपको तीन डेरिवेशन एक साथ फॉलो कराना है तीन डेरिवेशन क्यों क्योंकि आपको रोटेशन एनर्जी तो कैलकुलेट करानी है ओके okay? तो रोटेशन एनर्जी कैलकुलेट कराने के लिए तो आपको अलग अलग वेरिएबल्स यूज करने होंगे तो अलग अलग वेरिएबल्स की पहले आपने वैल्यू निकाल नहीं आया समझ में मैं आपको समझाती हूँ सबसे पहला जो डेरिवेशन होगा ना मैं आपको यहाँ पर थोड़ा शो कर देती हूँ पहला आपका क्लासिकल ट्रीटमेंट का डेरिवेशन होगा मतलब की जिसमें आपने क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिराइव करना है ओके okay? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को पहले स्टेप में डिराइव करेंगे पहले डेरिवेशन में ओके okay? तो दूसरा डेरिवेशन किसका होगा दूसरे डेरिवेशन में आपने पूरे सिस्टम के जो ये पूरा सिस्टम लिया है इसके टोटल एनर्जी को डिराइव करना है तो पहले मैं आपने क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्जिया को डिराइव करना है दूसरे स्टेप में आपने टोटल एनर्जी को डिराइव करना है तीन डेरिवेशन को यहाँ पर फॉलो करते हुए चलना है ओके okay? तो वो बहुत सिंपल है मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझा दूंगी डरने की कोई जरूरत नहीं ठीक है तो देखो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को देखो यहाँ इसने वही चीज बोला है कि रिजिड रोटेटर क्या है इसको थोड़ा थियोरिटिकल वे में थोड़ा

डायटमिक मॉलिक्यूल ओके तो देखो यहां पर इसने एक और इतना समझ लीजिए आप आगे के सेमेस्टर में पढ़ेंगे अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर पर ही है अभी आप इतना समझ लीजिए कि रोटेटर मैंने क्या बोला रिजिट रोटेटर का आप पहला यूज क्या कर रहे हैं किसी भी डायटमिक मॉलिक्यूल की रोटेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बात है कि अगर आपको रोटेशन एनर्जी मिल जाएगी तो आप उस उस कंपाउंड का उस डायटमिक मॉलिक्यूल का रोटेशन स्पेक्ट्रा भी तो बना लेंगे तो वही चीज बोल रहा है कि आप रिजिट रोटेटर का एक और काम कर सकते हैं इसकी हेल्प से आप क्या है किसी भी डायटमिक मॉलिक्यूल का रोटेशन स्पेक्ट्रा भी बना सकते हैं चीजें क्लियर है अब स्टार्ट करते हैं हम अपना डेरिवेशन ठीक है तो डेरिवेशन में क्या बोल रहे हैं देखो पहला डेरिवेशन है बहुत ज्यादा सिंपल है जैसे आपको पता चल गया यहाँ पे वही चीज बोल रहा है थ्योरी भी बताते हुए चलती हूँ ये बोले, पार like molecule, M1, बोल रहा है लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल रिजिड रोटेटर आपको क्या कंसीडर करना है कि आपके पास दो पार्टिकल वाला रिजिड रोटेटर है लाइक अ डायटमिक मॉलिक्यूल जिसमें पहले मॉलिक्यूल का मास है दूसरे मॉलिक्यूल का मास है है बोल रहा एंड एंड दोनों क्या है एक दूसरे से सेपरेट है बाय ए फिक्स डिस्टेंस दोनों एक दूसरे से सेपरेट है कितनी डिस्टेंस से आर डिस्टेंस ये पूरे की डिस्टेंस क्या है आपकी आर है ओके okay. अब देखो अब आपने क्या एज्यूम करना है एज्यूम सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन सिस्टम इन अ फिक्स एट द ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट अब आपने क्या करना है इस कोऑर्डिनेट के सेंटर पे वेट करिएगा

प्लस आर टू इज इक्वल टू किसके है आर के इक्वल है, ये आपको पता है. R1 इसको प्लस इसको करेंगे, तो आपका R निकल जाएगा तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं आर ये यहाँ आर वन आपका प्लस में है तो आप यहां से इसे माइनस में कर देंगे तो आर टू की वैल्यू आपकी क्या निकलगी आर टू इज इक्वल टू आर माइनस आर इतनी चीज समझ पाए ऐसे ही आप क्या है आर वन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं अभी हम सिंपल आर टू की कर कैलकुलेट करते हुए चल रहा है, ओके okay? अब आपने क्या करना है ये जो आपकी इक्वेशन बनी थी इक्वेशन फर्स्ट इस इक्वेशन में आपने आर टू की वैल्यू पुट कर देनी है इस प्लेस पे ओके okay? तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा

खुद कर सकते हैं ठीक है अब तो इतने बच्चे हैं नहीं हम इतनी चीज तो हम खुद कर सकते हैं अब हम आगे को बढ़ते हैं ओके अब आगे क्या बोल रहा है अब आपने एक काम करना है क्या काम करना है ये जो आर वन आर वन वाले डेरिवेटिव मतलब आर वन आर वन वाली जो वेरिएबल है ना इनको साथ साथ लेना है ये दोनों वेरिएबल में आर वन है इन दोनों को आपने साथ लेना है ओके? तो यहाँ यह तो की क्या हो जाएगा प्लस में बन जाएगा तो प्लस एम टू आर वन इज इकल टू एम टू आर इतनी चीज क्लियर है अब आपने क्या करना है यहाँ से आप आर वन को कॉमन कर सकते हैं आपने क्या कर रहा अपने आर वन को ले लिया कॉमन ब्रैकेट के अंदर क्या बना एम वन प्लस एम टू इतनी चीज क्लियर है सिंपल है इज इक्वल टू एम टू आर देखो छोटे छोटे स्टेप हमने फॉलो कर रखे हैं वो दिखने के बड़ा है बट है छोटे ओके okay? अब आगे बढ़िए अब अगले स्टेप में क्या करना है अब आप यहाँ से आर वन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं अब आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर वन इज इक्वल टू एम टू आर अपॉन में ये यह यहाँ इन टू में है तो ऑब्वियस बात है इज इक्वल टू के बाहर जाएगा तो किस में आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा तो यहाँ से आपने आर वन की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया इतनी चीज समझ पाए तो आर वन की वैल्यू यहां से डिराइव होगी अब देखो जैसे मैंने आपसे ऊपर बोला कि यहां आपने क्या है आर टू की वैल्यू डिराइव करी ओके okay? वैसे आप क्या है आर वन के लिए भी तो कर सकते थे अगर आप यहाँ पर आर वन के लिए भी सेम स्टेप करेंगे तो लास्ट में आपको आर टू की वैल्यू निकल जाएगी जैसे आपने आर वन की वैल्यू निकाली वैसे ही आप आर टू की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं तो देखो निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको पता है आर वन की वैल्यू क्या है एम टू आर है नीचे तो एम वन एम टू ही है तो यहां पर क्या होगा आर वन के लिए ऊपर एम टू आ रहा है तो आर टू के लिए ऊपर क्या आएगा एम वन आएगा सिंपल है बाकी चीजें तो कॉन्स्टेंट है ऊपर आ रहा है नीचे यहाँ भी आ रहा है नीचे एम वन प्लस एम टू है यहाँ भी एम वन प्लस एम टू है तो समझ में तो आर वन और आर टू के लिए वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट कर ली चीजें क्लियर है अब अगले स्टेप में मैंने क्या बोला इस स्टेप में आपने को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके इक्वल होता है एम इंटू आर के स्क्वायर के इंटर इक्वल होता है ओके okay? यानी कि अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आर की वैल्यू मैंने आपको पहले क्यों निकाली ताकि आपको जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो आप यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दे अब देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप सिंगल बॉडी के लिए तो निकाल नहीं रहे आपके पास डाई मॉलिक्यूल है और डाई मॉलिक्यूल मतलब दो बॉडी है तो आपने दोनों बॉडी के लिए क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा पहली बॉडी जिसका मास क्या है एम है यहाँ पर को देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है एम आर का स्क्वायर तो पहली बॉडी का मास क्या है एम वन है पहली बॉडी का आर क्या है आर वन है आर वन का स्क्वायर प्लस दूसरी बॉडी का मास क्या है एम टू है रेडियस कितनी है आर टू है तो आर टू का स्क्वायर इतनी चीज क्लियर है तो आपका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा देखिए यहां पर कोई इसने क्या कर रखा है आर वन और आर टू ले रखा है ठीक है इसका स्क्वायर ओके okay? अब आप क्या कर सकते हैं आर वन और आर टू की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया ना तो ये वैल्यू को आपको कर देना यहाँ पे पुट अब आर वन के प्लेस पे क्या है आर वन की वैल्यू पुट करेंगे लेकिन इसके स्क्वायर में इसके ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा स्क्वायर क्योंकि यहां भी स्क्वायर है और इस केस में भी क्या होगा बाहर आएगा स्क्वायर तो देखो आर टू की वैल्यू पुट कीजिए और बाहर से लगा दीजिए स्क्वायर तो आपने ये वैल्यू की तो देखो यहाँ पर वही तो है M2 M2. ठीक है तो बाहर आ स्क्वायर इतनी चीज समझ में बहुत सिंपल सा है अब आगे को क्या करेंगे बस आपने क्या करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जाना है सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आप देखिए ये आर आर दोनों में कॉमन है आप यहाँ से दोनों सिस्टम में क्या कर सकते हैं आर को उठा सकते हैं आपने इन दोनों आर को कर दिया सिस्टम के बाहर जो कि कॉमन है देखो आर के बाहर भी तो स्क्वायर है तो यहाँ भी आर स्क्वायर स्क्वायर आ गया गया भी आर हो बाकी सारी चीजें सेम है ओके अगले स्टेप में आपने क्या कर दिया देखो अगले स्टेप में आपने किया ये दोनों प्लस में है तो आपने क्या कर दिया एम वन और एम टू को देखो अंदर की यूनिट तो दोनों की सेम है ना यहाँ आप इसे सॉल्व करेंगे तो यूनिट तो सेम आएगी आर वन और आर सॉरी यहाँ आर भी सेम है यहाँ भी आर सेम है तो आपने क्या करना है एम वन और एम टू को ले लेना है सिस्टम से बाहर तो आई इज इक्वल टू एम वन इंटू

जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे ना तो आपकी इक्वेशन क्या निकलेगी जब आप इसमें हाँ काटना वाटना आपका सारी सारे सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगी इक्वल आएगी वन अपॉन एम प्लस एम टू के ओके तो ये इक्वेशन आपने यहाँ बना दी आर टू आपका एज इट इज है और आई की वैल्यू आपकी फाइनली ये निकल गई ओके okay, अब देखो अब आपको पता होगा आपने अगर रोटेशन uh, रिफ्लेक्शन पढ़ा मतलब सॉरी आपने रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस को भी पढ़ी होगी तो आपने वहां न्यू की वैल्यू कैलकुलेट की होगी न्यू मतलब क्या होता है रिड्यूस्ड मार्क न्यू मतलब होता है आपका रिड्यूस्ड मास ओके ध्यान से सुनिएगा सिंपल है ना रिड्यूस्ड मास अब रिड्यूस मास मतलब क्या होता है रिड्यूस मास की एक वैल्यू होती है अगर आप डायटम के लिए बात करते रिड्यूस मास की वैल्यू क्या होती है मास ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल मास ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल अपॉन में प्लस में आपका मास ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल अपॉन मास में सेकेंड मॉलिक्यूल यानी कि न्यू की वैल्यू जिसे बोलते हैं रिड्यूस मास की वैल्यू कुछ इस टाइप की होती है मास ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल और मास ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है और नीचे आप लोगों को उन दोनों को क्या कर देना है एड करना है और ये जो वैल्यू आपकी निकलती है वो होती है रिड्यूस मास ओके अब आप यहां पे देखेंगे आपको वही चीज मिलेगी एम वन एम टू ऊपर देखो एम वन एम टू अपॉन में क्या है एम वन प्लस एम टू यहां है अपॉन में एम वन प्लस एम टू तो आप पूरे इस सिस्टम को क्या है न्यू कह सकते हैं न्यू मतलब मतलब होता है रिड्यूस मास ओके तो आपने क्या कर दिया आई इज इक्वल टू न्यू लगा दिया क्योंकि ये पूरी यूनिट क्या है न्यू के इक्वल है न्यू मतलब होता है रिड्यूस मास

आप अभी तक क्या कर रहे थे आप कुछ ऐसा सिस्टम ले रहे थे यहाँ एक बॉडी है यहाँ एक बॉडी है इनकी डिस्टेंस है इसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है इसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है इसका एक पर्टिकुलर मास है इसका एक पर्टिकुलर मास है जो कि चेंज नहीं हो रहा रोटेशन के समय इतनी चीज क्लियर है लेकिन अब आपने इस इक्वेशन से एक चीज कैलकुलेट कर ली कि क्या आपने ये कैलकुलेट किया कि अब आपको दो बॉडी लेने की कोई जरूरत नहीं है अब आप क्या कर सकते हैं एक सिंगल बॉडी ले सकते हैं जो कि क्या होगा जिसका मास क्या है इन दोनों के रिड्यूस मास के इक्वल होगा क्योंकि आपने इन दोनों का रिड्यूस मास निकाल दिया देखो रिड्यूस मास क्या है m1 और m2 का एम तो निकला इन दोनों से इन दोनों के वैल्यू से आपने एक रिड्यूस मास निकाला अगर आप इस बॉडी का एक सिंगल बॉडी का आपको दो बॉडी लेने की जरूरत नहीं है अब आप क्या कीजिए एक सिंगल बॉडी लीजिए इसे रोटेट कराइए लेकिन आपने इसका मास क्या रखना होगा इन दोनों मास के रिड्यूस मास के इक्वल यानी कि जो रिड्यूस मास होगा

टू मास आपने क्या करना है जो दो बॉडी एक दूसरे के सेपरेशन में थी ये दोनों एक दूसरे के सेपरेशन में कितनी थी आर की डिस्टेंस ही सेपरेट थी आर वन आर टू की बात नहीं कह रही हूं। ये दोनों एक, ये से तो ये दो ये से एक दूसरे से कितने के डिस्टेंस पे सेपरेट थे हम एक बॉडी ले सकते हैं और उस बॉडी को आपने क्या करना है कितनी डिस्टेंस पे रखना है आर डिस्टेंस पे रखना है जितने की डिस्टेंस पे दो बॉडी एक दूसरे से सेपरेट थी पहली चीज क्लियर आई दूसरी चीज अब आपने दो एटम्स की बात यहां नहीं करनी आप दो एटम के बदले एक ही एटम से काम चला सकते हैं लेकिन इस एटम का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा इन दोनों के मास के जो आ, मास से जो आपके रिड्यूस मास की जो वैल्यू निकली देखो इन दोनों के मास को पहले आपने मल्टीप्लाई किया और अपॉन में इन दोनों के मास को प्लस कर दिया ओके इससे आपने एक रिड्यूस मास की वैल्यू निकाली ओके तो अब आपने क्या करना है ये जो सिस्टम आपने लिया है इन दोनों की प्लेस में एक सिंगल बॉडी लिया है इसका मास क्या रखेंगे आप रखेंगे इस रिड्यूस मास के के इक्वल इक्वल जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के एक है अब आपको दो बॉडी का झंझट नहीं है अब आपने एक बॉडी ले ली उसका मास भी आपको पता चल गया इसका मतलब ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के अब इक्वल है तो इससे इस इक्वेशन इस से हमको एक चीज तो ये समझ में है इतनी चीज क्लियर है अब हम आगे बढ़ते हैं मैंने आपको क्या बोला पहले स्टेप में आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था जो आपने यहाँ पर निकल दिया और उससे आपने क्या समझा वो भी मैंने आपको समझा दिए चीजें क्लियर है अब आगे बढ़ता है ओके अब अगले स्टेप में क्या निकालना है आपने स्टेप सेकेंड में आपने निकालना है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम आपने पूरी सिस्टम की एनर्जी को कैलकुलेट करना है ठीक है पूरे सिस्टम की ओके तो पूरे सिस्टम की एनर्जी कैसे ये तो बहुत छोटू सा डेरिवेशन है इस छोटू सा डेरिवेशन में आपने क्या करना है ये बोल रहा है कि देखो आपको पता है जो दो सिस्टम आपने लिए अभी तक मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये तो आपको एक ट्रिक दे दी मतलब आपको एक उपाय मिल गया एक आइडिया मिल गया ठीक है लेकिन अभी तो आप दो सिस्टम की बात कर रहे हैं ठीक है तो अब आपने क्या पूरे सिस्टम की जब आप एनर्जी निकालेंगे तो ये बोल रहा है कि आपके पास जो ये दो पार्टिकल्स थे ना

काइनेटिक एनर्जी यही चीज तो हमने पढ़ी है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का अगर आप एडिशन करा देंगे तो आपके पूरे सिस्टम की एनर्जी निकल जाएगी बट आप यहाँ पे क्या समझ गए आगे कि यहाँ पर रोटेशन रिजिड हो रहा है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम की जीरो हो गई इसका मतलब अगर आप अपने सिस्टम की टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कानेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना होगा इतनी चीज क्लियर है अब देखो कानिक एनर्जी तो जीरो नहीं हो सकती यहां तो मूवमेंट हो रहा है तो कानिक एनर्जी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी ओके तो कानेटिक एनर्जी की अब आपने वैल्यू एक की नहीं लेनी अब आप दोनों मॉलिक्यूल पहले क्या करेंगे जो आपका पहला मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल ए

एम वन और एम टू आपके क्या है मास है इतनी चीज क्लियर है लेकिन दस इन द आ, अगर हम इसे क्या करें जो आपकी ये लीनियर वेलोसिटी है इसको हमको आप किस में कन्वर्ट करना है एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है ओके क्यों करना है अभी आपको पता है हमको क्या निकालना है रोटेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो रोटेशन एनर्जी के लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू नोन होनी चाहिए अब आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है पता है एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी के साथ अगर आप लीनियर का रिलेशन देखेंगे तो आपको मिलेगा वी टू आर उमेगा ओके तो यहाँ पर वी क्या है आपकी लीनियर वेलोसिटी और उमेगा मतलब होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, ओके अब आपको यहाँ उमेगा चाहिए तो आपने क्या करना है वी की वैल्यू को यहाँ पर कर देना है पुट यानी कि v के बदले क्या हो जाएगा आर उमेगा यानी कि पहले सिस्टम की बात करें तो ये आर वन उमेगा हो जाएगा उमेगा तो उमेगा होगा दूसरे सिस्टम की बात करें तो ये आर टू उमेगा हो जाएगा ओके तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए तो देखो ई इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू हाफ एम वन आया एम वन के साथ क्या हो जाएगा आर ये दोनों ये वी स्क्वायर में है ना तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली भी स्क्वायर में आएगा भी स्क्वायर में आएगा तो ये हो जाएगा आर वन का स्क्वायर और उमेगा स्क्वायर प्लस इसमें क्या हो जाएगा हाफ एम टू और आपके वी स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा वी टू स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा आर टू का स्क्वायर और उमेगा का स्क्वायर इतनी चीज क्लियर है तो ये इक्वेशन आपकी डिराइव हुई समझ में आया अब आगे बढ़िए देखो अब आपने क्या करना है इसी क्वेशन को सॉल्व करते हुए जाना कैसे सॉल्व करेंगे अब आपने क्या करना है देखिए आपने क्या कर दिया है हाफ आपका एज इट इज रहेगा उमेगा स्क्वायर दोनों साइड है उमेगा को भी आपने बाहर कॉमन ले लिया बट अंदर क्या वेरिएबल बच्चे आपका बच्चा एम वन आर वन का स्क्वायर एम टू आर टू का स्क्वायर अब आपने क्या है बीच में लगा प्लस का साइन तो आपने इसे ब्रैकेट के अंदर डाल के एम वन आर वन का स्क्वायर का प्लस

क्योंकि देखो अगर आपको देखो आपको तो पता होगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ये है बट आपको पहले एग्जाम में टीचर को भी तो बताना होगा कि हाँ आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कहां से कैलकुलेट की ठीक है तो यहां से आपके क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई थी तो आपने क्या करना है इस प्लेस में अपना क्या पुट कर देना है आई की वैल्यू को पुट कर देना आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या हुआ ये पूरा सिस्टम किसके इक्वल हो गया आई के इक्वल हुआ तो आपने क्या लिखा ई इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू हाफ एज एज इट इट इज इज है है स्क्वायर लेकिन इसके बदले क्या हो गया आई आ गया समझ में आया अब देखो अब आपने थोड़ा और गोल मटोल करना है पे, वो क्या करेंगे अब आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम आपने निकालना है ठीक है है आपको पता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम को आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है उमेगा आई ओके एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है उमेगा आए, अब आप देख सकते हैं यहाँ भी तो आपके दो वेरिएबल है जो है उमेगा आई लेकिन यहाँ उमेगा आपके स्क्वायर में है आई आपका सिंपल है

अपॉन आई आई स्क्वायर मतलब क्या हुआ आई स्क्वायर मतलब ऑब्वियस सी बात है आई इंटू आई तो हुआ ओके okay. अगर आप इस आई से इस आई को काटेंगे तो आपकी आप वैल्यू आई तो, मिल जाएगी, तो आपने भी ऊपर भी. इंट्रोड्यूस तो ये आई बन, जाएगा, नीचे करेंगे तो सिंपल आई बन जाएगा और काटेंगे तो वापस आपका यही प्रोडक्ट बन जाएगा ओके okay. अब देखो अब आपको मिल गया यहाँ पर आपका आई भी स्क्वायर में आ गया ओके आई स्क्वायर में आ गया उमेगा उमेगा भी स्क्वायर में तो ऑब्वियस बात है आपको पता है उमेगा स्क्वायर इंटू आई ओके सॉरी ये है उमे एल की वैल्यू यानी कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है उमेगा इंटू आई और आपके पास क्या है उमेगा स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर तो ऑब्वियस सी बात है कि एल की वैल्यू क्या हो जाएगी एल स्क्वायर हो जाएगा समझ में आए तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं तो देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं इसको आपको स्क्वायर करना होगा ये मेरी है ओके तो आपका क्या होगा उमेगा इंटू आई था तो आपका एल था लेकिन आपका उमेगा स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया नीचे अपॉन में क्या है अभी भी आई रहेगा ओके आई तो है यहाँ पे ओके तो अब आपकी जो ई है आपकी जो टोटल एनर्जी है सिस्टम है वो किसके इक्वल होगी एल स्क्वायर एल स्क्वायर यानी कि एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉइनमेंट टू आई आई मतलब इनर्शिया तो आपकी यहां पर को एक वैल्यू और निकलगी वो किसकी है? टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम तो ये होती है आपकी टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपने बस ये वैल्यू को वहां पर पुट करना होगा अब आप समझ गए आपको दो चीज पता चलती देखो पहला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने निकाला क्योंकि आप जब टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालते तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत थी ओके लेकिन आपने टोटल एनर्जी निकाल दी ये तो आपके काम की चीज है अगर आपको पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी है तो आप ये इस इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं ओके लेकिन मेन यूज आपका जो ये रिजिड रोटेटर का है वो ये है कि आपको क्या निकाल

की वैल्यू निकालना है ठीक है तो क्वांटम तो ट्रीटमेंट में ये क्या बोला जैसे आपको पता है सोन्डर वेव इक्वेशन जो आपको गिवन थी जो हम पहले बात कर चुके फॉर अ पोलर कोऑर्डिनेट अगर आप किसी पोलर कोऑर्डिनेट के लिए सॉन्ड वेव इक्वेशन को लगाएंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस टाइप की ये पूरी इक्वेशन उसकी डिराइव की हुई है ओके यहाँ आपको कुछ आपने डिराइव नहीं किया ये आपको नोन है ये सोडेंजर वेव इक्वेशन है सोर्ड वेव इक्वेशन ऐसी ही होती है फॉर द पोलर कॉर्डिनेट ओके और कैसी है ये भी बहुत सिंपल है देखो यह है डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू अगर आप यहाँ पर को देखेंगे वही चीज मिलेगी ये बोल रहा है वन ओवर आर स्क्वायर ओके ध्यान से सुनेगा वन ओवर आर स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा आर ओके इंटू ब्रैकेट में क्या है आर स्क्वायर डेल्टा डेल्टा आर ओके अब ये जो वेरिएबल्स है ना ये इसी की जैसी है बट इसने क्या कर रखा है आर स्क्वायर के साथ यहाँ साइन थीटा एड कर दिया है अगर थीटा 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 है तो यहां भी भी आ आ जाएगा यहां भी थीटा आ जाएगा और अगले स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया समझ में यानी कि तीनों ये तीनों वेरिएबल इतनी बड़ी चौड़ी सी दिख रही है बट कुछ नहीं है अगर आप एक वेरिएबल याद कर देंगे दूसरे वेरिएबल में आपने बस साइन थीटा ऐड करना है तीसरे वेरिएबल में साइन स्क्वायर थीटा ऐड करना है ओके प्लस प्लस में आपका क्या होगा एक बाई स्क्वायर न्यू न्यू आपका कहां से आया न्यू मैंने जो ऊपर निकाला था वो ये रिड्यूस मार्स अपॉन एच स्क्वायर यानी कि प्लैक्स कांस्टेंट इनटू टू ई माइनस पी ई क्या है आपकी जो ये इंटरनल मतलब जो टोटल एनर्जी है जिसे आप सिस्टम की बोल रहे हो और वी पी है आपकी पोटेंशियल एनर्जी ओके और ये है आपकी साई साई हो गया वेव फंक्शन इज इक्वल टू जीरो कहां से आई थी ये है सॉर्ड वेव इक्वेशन फॉर अ पोलर कोऑर्डिनेट ओके ये याद ही करनी होगी ओके okay? अब आगे बढ़ी अब देखो अब चीजें सिंपल हो जाएंगी ये क्या बोल रहा है अगर आप किसी रिजिट रोटेटर की बात करेंगे तो आपको पता है रिजिट रोटेटर में तो आपकी जो आर की वैल्यू आप देख सकते हैं पूरी हर जगह आपको आर आर ही दिखते हैं और आपको मालूम है इसे सिंपल करने के लिए आपको पता है कि रिजिट रोटेटर मतलब कि रिजिट रोटेटर में जो आपका रोटेशन हो रहा है जो आपकी रोटेटिंग डिस्टेंस है जो आपकी बॉन्ड लेंथ है, है वो तो चेंज नहीं हो रही इट मीन्स आर तो आपका कॉन्स्टेंट है तो आपने है पूरे सिस्टम में ये पूरी इक्वेशन जो है इसमें आर की जगह जीरो लगा देना है आर की जगह जीरो लगाएंगे तो सोचिए कितनी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी ओके और एक और चीज जीरो लगाने वो क्या है पोटेंशियल एनर्जी देखो ये है पोटेंशियल एनर्जी जिसे आप बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी तो जीरो है क्योंकि यहाँ पर को कुछ ना कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है कोई चेंज जो क्या आ रहा है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या है पूरे सिस्टम में जीरो ओके okay? तो आपको दो वैल्यू कॉन्स्टेंट मिलगी एक है आर की वैल्यू दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अब आप क्या करेंगे ये दोनों वैल्यू को अगर सिस्टम में जीरो कर देंगे तो देख सकते हैं आपकी इक्वेशन कितनी छोटी होगी अब आप देखिए ये इक्वेशन इतनी बड़ी थी अब ये इक्वेशन इतनी छोटी हो गई ओके okay? अब आप क्या करेंगे डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू अब आपको क्या मिलगी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपका कोई आर भी नहीं है देखो कहीं जगह भी आर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आर तो कॉन्स्टेंट है साथ ही साथ ई के साथ आप आपका पोटेंशियल एनर्जी भी था लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी चला गया E के साथ डायरेक्टली क्या का मल्टीफिकेशन होगा आपकी ये इक्वेशन आपकी डिराइव्ड होगी ओके? इतनी चीज समझ में अब देखो और ज्यादा सिंपल हम इसे कर देते हैं। तो देखो यहां पे क्या वैल्यू दिया अब इसने दिया है h h मतलब क्या हुआ आपने वेव इक्वेशन में पढ़ा था h इज इक्वल टू होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ओके और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है इस ऑपरेटर की इस ऑपरेटर की फिक्स वैल्यू क्या होती है यहां आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू होती है माइनस एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर न्यू ओके अब क्या होगा देखो अब आपने इक्वेशन सिंपल कैसे करनी है यहां भी आपको डेल स्क्वायर दिख रहा है यहां भी आपको डेल्टा स्क्वायर दिख रहा है अब आपने क्या करना है इस पूरे डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू को यहां पर इसके आगे प्रोसीड कराना है बस आप यही देखो h इज इक्वल टू इक्ल माइनस एच स्क्वायर अपॉन एट पाई एट पाई स्क्वायर न्यू तो वैसा ही है लेकिन डेल्टा स्क्वायर के बदले ये पूरी इक्वेशन आपने यहाँ फिट कर देनी है ओके तो जैसे ही यहाँ पे पूरी इक्वेशन फिट होगी तो आप देखो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना तो बहुत टफ हो जाता है फिजिक्स वालों के लिए टफ हो जाएगा फिर तो हम केमिस्ट्री वाले ओके तो हमको टफ नहीं करना है हमको क्या करना है सिंपली क्या बोलना है कि सॉल्यूशन ऑफ द अब इक्वेशन ये पूरी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको आप इसे सिंपल वे में लिख सकते हैं जो कि क्या होगा एच इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर अपॉन एट स्क्वायर स्क् इंटू एल प्लस वन ओके तो यहाँ भी आपका आता एक एक है एल प्लस वन ओके तो ये इक्वेशन आपकी डिराइवेशन को जब आप पूरा सोल्व आउट करेंगे दिस है. तो कुछ नहीं कटेंगे क्योंकि ये ऐसे ही डिराइव होती है अगर आप बुक्स वगैरह में भी देखेंगे आपको ये ऐसे ही डिराइव मिलेगी क्योंकि इतना पूरा डेरिवेशन को सोल्व करना हमारी बस की तो है भी नहीं ओके okay? तो अब आगे बढ़ते हैं ठीक है थीके? इतना समझ में आए अब आपको देखेंगे अब आपने ये भी देखा होगा जब मैंने आपको सोनियर वेव इक्वेशन फर्स्ट लेक्चर पर बताया था मैंने आपको क्या बोला था सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है यही होता है ठीक है इसका मतलब क्या है ई जो टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम है इन टू साई अगर आप करेंगे ये किसके इक्वल होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के ऊपर अगर आप बार लगा दें इसके साई के इक्वल होता है यानी कि ये दोनों दोनों चीजें क्या होता है एक दूसरे के इक्वल होता है यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इंटू साई की जो वैल्यू होगी वो कभी भी क्या है एनर्जी के इक्वल होता है एनर्जी इंटू साई की जो वैल्यू आएगी इसके इक्वल होती है ओके इसका मतलब की हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है इसके बदले आप ई भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है अब आप क्या करेंगे एच के बदले क्या लगा देंगे ई लगा देंगे तो देखिए एच के बदले ई लगाए तो पूरी चीजें आपकी वैसे की वैसी है बस आपके एच के प्लेस पे अब आपका ई आ गया ओके अब देखो यहाँ पर को अब हम क्या है रिजिड रोटेटर की बात कर रहे हैं तो रिजिड रोटेटर में हम इसे एल से रिप्रेजेंट नहीं करते एल के बदले अब आपने यहां क्या यूज करना होगा एल के बदले यूज करना होगा जे ओके जे।, जे मतलब क्या होता है रोटेशन क्वांटम नंबर मैंने आपको क्या बोला अब आपने रोटेशन इस पर रोटेशन एनर्जी को निकालना है फॉर अ डायटमिक मॉलिक्यूल विद्प ऑफ रिजिट रोटेटर तो क्या है आप अपने एल की प्लेस पे क्या पुट कर देना है जे की वैल्यू पुट कर देना है जे मतलब क्या होता है जे मतलब होता है रोटेशन क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू वरी करती रहती है जीरो वन टू थ्री कुछ भी लग सकता है और जब इसको आप रखेंगे तो आपका क्या है रोटेशन स्पेक्ट्रा निकलेगा ओके तो आपने ये नहीं देखना ये तो आप रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे अभी जिस इतना देखिए ओके तो जैसे आप पुट करेंगे तो आपने क्या करना इस L क्या है इस की प्लेस में क्या वैल्यू रख देनी है जे की वैल्यू रख देनी है तो आपकी इक्वेशन क्या होगी देखिए यहाँ पर को भी थोड़ी मिस्टेक है यहाँ भी आपका एल होता है ओके तो आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो क्या होगा यहाँ आपकी क्या होगी जे आया जे इंटू जे प्लस वन देखो आप एल एल प्लस वन था एल की प्लेस में क्या रख दिया जे रख दिया जे ब्रैकेट में जे प्लस वन इतनी चीज समझ में आए और ई की वैल्यू आई ओके अब देखो अब आपको यहाँ पे क्या करना है अब आपको मिलेगा ये B. B मतलब क्या होता है देखो रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी मैं भी पढ़ा होगा B होता है आपका जो ये रोटेशन जो आपकी स्पेक्ट रोटेशन uh, जो क्वांटम नंबर होता है या फिर रोटेशन एनर्जी जो होती है उसका कांस्टेंट जिसे आप B से रिप्रेजेंट करते हैं ये एक कॉन्स्टेंट होता है रोटेशन कॉन्स्टेंट ओके तो ये बी जिसे आप रोटेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी वैल्यू होती है एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर एल ओके तो ये वैल्यू आपने कहा से निकाल दी बी की निकाल दी

जे EJ. EJ मतलब क्या हुआ ये क्या है एनर्जी तो है रिप्रेजेंट करता है विद रोटेटर. तो देखो, आप बोलेंगे, रोटेटर का कहा काम है तो आप यहां देखिए रिजिड रोटेटर तो हमने एल की वैल्यू जे में कन्वर्ट कर दी जे में क्यों कन्वर्ट की जे मतलब भी होता है रोटेशन की बात जब हम करते हैं तो चीजें क्लियर है तो देख सकते हैं इस एनर्जी को देखो एनर्जी के नीचे जे लगा इस मीन रोटेशन एनर्जी की बात कर रही है और इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे डिराइव होगी ये कैसे डिराइव हुआ रोट आ, रिजिट रोटेटर की हेप से डिराइव और यही चीज आपने टीचर को डिराइव करके दिखानी है बहुत सिंपल ना कुछ कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी वरना तो छोटू सा था ठीक है समझ में आया तो यही होती है आपका रिजिट रोटेटर और रिजिट रोटेटर का वर्क जो मेन होता है उसको आपने एक्सप्लेन करना है इस डेरिवेशन से समझ में आया तो यही होता है आपका रिजिट रोटेटर ठीक है होप समझ में आएगा मैंने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का अगर आपको समझ में आएगा तो रिस्पॉन्स भी कीजिएगा अभी हम लेक्चर को यहीं पर फिनिश करेंगे मिल देंगे हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर तो वैसे सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है तो हम जल्दी जल्दी वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे तो अभी वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बाय बाय